देश भर की ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का देश में मिला जुला असर देखने को मिला। देश के 10 प्रमुख श्रमिक संघों के आह्वान पर की गई इस हड़ताल को लेकर दावा किया गया है कि 25 करोड़ लोग इस हड़ताल का हिस्सा बने। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा हुई तो कई राज्यों में बंद का कम ही असर देखने को मिला। इधर केंद्र सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को ताकीद किया था कि हड़ताल में शामिल होते हैं तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। बंद का आह्वान केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में था। बंद को लेकर कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी शाह सरकार की जन विरोधी श्रम विरोधी नीतियों ने भयावह बेरोजगारी पैदा की है। मोदी अपने पूंजीपति दोस्तों की मदद करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार कमजोर कर रहे हैं। इसके विरोध में आज 25 करोड़ लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया है। मैं उन सभी को सैल्यूट करता हूँ। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाम दलों और कांग्रेस के भारत बंद पर कहा कि हम राज्य में हड़ताल की इजाजत नहीं देंगे। जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं उनका बंगाल में कोई राजनीतिक आधार नहीं है। बहरहाल किन मुद्दों को लेकर देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया उस पर एक नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ट्रेड यूनियंस ने की हड़ताल। 10 श्रमिक संघों के आह्वान पर हड़ताल बुलाई गई। बैंक यूनियंस ने हड़ताल का समर्थन किया। बैंकों के विलय, निजीकरण, शुल्क वृद्धि और वेतन से जुड़े मुद्दे उठाए गए। ट्रेड यूनियंस, लेबर लॉ और शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि का विरोध किया गया। भारतीय मजदूर संघ ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया। देश भर में ट्रेड यूनियंस के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे। पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छिटपुट हिंसा देखने को मिली। बैंकों का कामकाज हड़ताल के चलते प्रभावित हुआ। सरकार की नीतियों से क्यों नाराज है ट्रेड यूनियंस, ये भी सुनिए। देखिए, वीके शर्मा कोऑर्डिनेटर बैंक हड़ताली संगठन, आज हिंदुस्तान के 125 करोड़ मजदूर कामगार कर्मचारी अधिकारी केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने वेतन कटाकर, करोड़ों रुपए का वेतन कटाकर राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल में भाग ले रहे हैं। आज के हमारे हड़ताल के मुद्दे हैं, हम सरकार की नौकरियों पर हमला करने वाली नीतियां, ट्रेड यूनियन को बर्बाद करने वाली नीतियां, सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने वाली नीतियां, रोजगार घटाने वाली नीतियां, महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां, श्रम कानूनों में मालिकों के अनुरूप संशोधन करने वाली नीतियों के खिलाफ आज सड़कों पर हैं। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आज जो कामगार मजदूर, चाहे वो मीडिया में हो, बैंक में हो या सड़क पर हो, अकूत संपत्ति हिंदुस्तान के अंदर श्रम के माध्यम से दे रहा है, उस अकूत संपत्ति पैदा करने वाले मजदूर को दमनात्मक दंडात्मक कार्रवाई से क्यों दबाया जा रहा है। मोदी सरकार की दूसरी पारी में ट्रेड यूनियंस का ये प्रदर्शन प्रभावी रहा कहना गलत नहीं होगा। देखना दिलचस्प होगा अब केंद्र सरकार मजदूरों और कर्मचारियों के हित में ऐसे क्या फैसले लेती है जो उनमें पनप रहे असंतोष को राहत देने का काम करे। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं अविनाश। देश भर की तमाम ट्रेड यूनियंस ने देशव्यापी हड़ताल करके केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। छिटपुट हिंसा भी हुई, सियासत भी गरमाई। इस बंद का मिला जुला असर देश के सभी शहरों में देखने को मिला। सवाल यही है, सीएए, तीन तलाक और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दों को लेकर सरकार ने वाहवाही लूटी, लेकिन क्या वजह है कि देश के तमाम कर्मचारी और मजदूरों को सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद होना पड़ा। सवाल कई है और यही है हमारा आज का विशेष, हड़ताल समर्थन और सवाल। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास तौर पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराधा त्रिवेदी जी, आपका बहुत स्वागत। अनंत आरण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत। और सत्येन जैन हैं, बीजेपी नेता हैं, आपका बहुत स्वागत। और छत्तीसगढ़ से बैंक एसोसिएशन के महासचिव शिरीष नल गुंडवार भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुल जमा इन दिनों देश में जो है प्रोटेस्ट का एक सीजन चल रहा है, चाहे धारा 370 के बाद से जो शुरू हुआ सिलसिला, सीए पर जो है हड़ताल, ये तमाम चीजें हैं, विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ है और अब मजदूर और कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। क्या कुछ ऐसी कमियां खामियां
सरकार की नीतियों सरकार को नीति बनाने में रह गई कि इतने बड़े व्यापक पैमाने पर आज जो मजदूर हैं देश के कर्मचारी हैं उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। सत्यन जी, सबसे पहले सवाल आपसे। जो श्रमिकों के कल्याण की बात है और जो कर्मचारी वर्ग है उसके कल्याण की बात है, तो ये जो मांग है, हड़तालें हैं, पहले से भी होती रही हैं। और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा विषय आपने इस डिबेट में उठाया, आपके चैनल को और आप सभी को जो प्रगतिशील पत्रकार हैं, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, बधाई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि श्रमिकों की समस्याएं तो किस तरीके से हमने कोशिश की है और अपार संभावनाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये संभावनाएं बार बार आरोप लगते हैं सत्यन जी सरकार पे कि अपने पूंजीपतियों को और अपने दोस्तों को जो है कथित तौर पर लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही हैं सारी कवायदें, लेकिन मजदूरों को और कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, कई तरह के आरोप जो है सरकार पर। अविनाश जी, मैं उसी पे ही आ रहा था, आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं आपके दर्शकों को बहुत मूल्यवान जानकारी प्रस्तुत करूंगा और जो कि मैं सत्यता पर आधारित रहेगी, सत्य ही रहेगी, हम उसमें कोई महिमामंडन नहीं करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा, श्रमिकों की समस्या सही बात है और हमारे कर्मचारी वर्ग जो है उसकी समस्याओं के लिए हमें काम करना चाहिए। तो ये देखिए, पहली बार ऐसा हुआ, सबसे ज्यादा हमारे देश में या दुनिया में यही माना जाता है, कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा श्रमिकों के लिए और श्रम सुधारों के लिए बड़े समर्पित रहते हैं, लेकिन आज तक इनकी और कांग्रेस इतनी सरकारें रही, किसी ने भी एक योजना नहीं लेके आया। प्रधानमंत्री मानधन श्रम से भी मानधन योजना लेके आए और उसमें अभी 4 मिलियन से ज्यादा लोगों के लिए उसका लाभांश मिलना शुरू हो गया। तो ये इस तरीके की योजना अभी पहले क्यों नहीं आई, अभी क्यों आई? तो हम कोशिश कर रहे हैं और हमने बहुत कोशिश की। एक और योजना जो मैं बता दूं कि आपको पता होगा या मैं आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं कि पहले जो 2014 तक अगर किसी व्यक्ति को जो पेंशन मिलती थी तो 250-300 रुपए महीने वाला मिलती थी और उसमें अंश, तो अब सरकार ने ये कर दिया, पेंशन गारंटी की और मिनिमम कर दिया उसको। साहब, निजीकरण भी हो रहा है, रोजी रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। आपके पास निजीकरण पे भी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ। निजीकरण आज से नहीं हो रहा, 1991 से हो रहा, कांग्रेस इसकी शिरोधार और निजीकरण करा है, कांग्रेस ने किया। तो अब कांग्रेस अपोजिशन में है तो इसलिए इनको दिक्कत होती है। दूसरी बात, श्रमिकों जो बगैर निजीकरण करे देश में पैसा भी नहीं ला सकते हो आप, क्योंकि हमारा देश 125 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है, तो इसमें सुधार करना। और जो पेंशन की बात की, आज तक क्यों नहीं हुआ, 250 रुपए मिलते थे। चलिए, आपके पास वापस शिरीष नलगुनवार जी हैं, छत्तीसगढ़ बैंक एसोसिएशन के महासचिव हैं, सबसे उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ तकलीफें उनकी हैं जो दर्द आज जो है छलका है इस तरह से। पूरे देश भर में हड़ताल की गई और पश्चिम बंगाल में तो कई जगह हिंसा भी हुई, तमाम तरह की चीजें हुई। शिरीष जी, क्या कहेंगे, क्या कमी और खामी रह गई सरकार की जिसकी वजह से इतना जो है व्यापक तौर पर जो प्रदर्शन किया गया? देखिए, हम जो हड़ताल पे जा रहे हैं, हम कोई खुशी से हड़ताल पे नहीं जाते हैं जी। इसके लिए पूर्णतः केंद्र सरकार जिम्मेदार है जी। 2 साल हो गए, 1 नवंबर 2017 से वेतन समझौता लंबित है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। दूसरा, एनपीए का जो मुद्दा है जी, एनपीए का मुद्दा ऐसा है कि बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े उद्योगपति बैंक से लोन लेके बैठे हुए हैं जी, रिकवरी हम नहीं कर पाते हैं जी। रिकवरी नहीं करने का कारण जो है वो क्लियर रूप से जो नियम बने हैं जी, एक प्राइवेट बैंक है वो रिकवरी एजेंट अपॉइंट करके पैसा ले लेता है जी, पर हमको जो है वो पैसा लेने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है जी, और जिसके वजह से देरी होती है। दूसरा, गवर्नमेंट जो है बिना वजह बैंकों को मर्जर कर रही है। अब मर्जर करने का कोई कारण नजर नहीं आता, पहले उन्होंने स्टेट बैंक में उनकी 7 सब्सिडरी और महिला बैंक का मर्जर कर दिया जी। उसके पश्चात पहली बार देश में स्टेट बैंक नुकसान में आ गया, 8,000 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ जी। उसके बाद उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का मर्जर कर दिया, विजया बैंक और देना बैंक का जी। अब 1 अप्रैल से 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बड़े बैंकों में मर्ज किया जा रहा है जी। आउटसोर्सिंग करते जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग करते से बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, नई भर्तियां नहीं हो रही है, और जो श्रमिक विरोधी कानून तैयार किए जा रहे हैं जी, तो आखिर हम किसके पास जाएंगे?
जी, अगर हमारी मांगे सब मान ली जाती है तो हमको सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं है। जी जी श्री जी, आपके पास जी श्री जी आपके पास बड़े गंभीर जो है ये मामला है और कई गंभीर सवाल भी श्री जी ने उठाए हैं कि किस तरह से जो है मर्जर हो रहा है, बैंकों का विलय हो रहा है, तमाम चीजें हैं और रोजगार के अवसर खत्म किए जा रहे हैं, हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग की जा रही है। आनंद जी क्या कहेंगे मौजूदा स्थिति पर? देखिए जिस तरह से इस बातें सामने आ रही, निश्चित रूप से वो अक्षरांश सत्य है, क्योंकि जिस तरह से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, बैंकों का मर्जर किया, बहुत सारे सरकारी संसाधनों को बंद किया, रेल का प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, कहीं पोस्ट ऑफिस का कर दिया, कहीं मतलब कुछ भी कर रहे हैं, सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रही है और किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। और झूठ पे झूठ बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पे आरोप लगा दिया, कम्युनिस्ट पे आरोप लगा दिया। अरे भाई कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो इनके शुभचिंतक रहे हैं और निश्चित रूप से आज पूरे देश में हड़ताल है, लगभग 1 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तो निश्चित रूप से भयावह स्थिति। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने इन्हें बहुत किया है, तो कितना झूठ बोलते हैं, इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं। मतलब झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि उसे सच कर दो, और इसके बाद शर्म भी नहीं आती, इतना बोलो कि शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आरोप कांग्रेस, अरे भाई सरकार तुम्हारी है, वो आपकी संस्थाएं, आज जो बैंकें कभी घाटे में नहीं थी, आज भी बैंकें घाटे में हो रही हैं, तो किसकी नाकामी है? केंद्र सरकार की नाकाम है, मोदी सरकार की नाकामी है, जिस तरह से जन विरोधी काम कर रहे हैं, जिस तरह से जनता के विरोध के काम कर रहे हैं। अच्छा एक्चुअल में क्या, इन्हें आग लगाने के अलावा कुछ आता नहीं है, इन्होंने पूरा सांप्रदायिकता का टांडव किया सत्ता में आने के लिए, सत्ता में शिखर पे आने के लिए इन्होंने हमेशा सांप्रदायिकता का उपयोग किया। अब इन्हें सरकार वरकार चलाना आता नहीं है तो चलाएंगे कैसे? तो कुछ तो भी कर रहे हैं, ऊट पटांग निर्णय ले रहे हैं, जिसने जो बोल दिया वो ले लिया, कहीं कुछ कर दिया। भाई एक अच्छी सरकार का काम ये होता है, एक अच्छी सरकार का काम ये है कि उसे एक जनता के हित में काम करना चाहिए। जनता का नब्ज क्या है, जनता की इच्छा क्या है, जनता क्या चाहती है? जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जनता को जो आधारभूत सुविधा चाहिए उसको तो आप दे नहीं रहे, बल्कि जनता को और शांति की जगह अशांति फैला रहा, आपस में लड़ाई कर रहा है। अभी तो आप हिंदू मुस्लिम करते थे, कहीं वर्ग विशेष कर रहे हैं, आज कगड़े विषय कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, और चलिए आपके पास लौटूंगा, अविनाश जी मुझे समय दीजिए, मैं बता, बिल्कुल बिल्कुल सत्यन जी आपके पास भी आऊंगा वापस लौट के। अनुराधा जी पूरा जो है परिदृश्य जो है इस वक्त देश की सियासत का और तमाम मुद्दों को लेकर बना हुआ है और हर शख्स जो है हाथ में तख्ती लिए प्रोटेस्ट करता नजर आ रहा है इस वक्त देश में, क्या कहेंगे आप? मजदूर और कर्मचारियों के बीच में भी जितना जो असंतोष पनपा है और सरकार के खिलाफ और उसकी नीतियों के खिलाफ अब वो जिस तरह से आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार किस दिशा में जा रही है और क्या खामी रह गई सरकार की जिस वजह से ये स्थितियां बनी? सरकार की कोई खामी नहीं, पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, पूरा विश्व, केवल हिंदुस्तान नहीं। आप जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका ईरान तनाव है और उसको लेकर जो गोल्ड के रेट एकदम 40,000 से ऊपर जा रहे हैं, पेट्रोल उसकी कीमत बढ़ रही है ना, एक तो ये। दूसरे मैं आपसे बहुत साफ एक बात बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मजदूरों को सुविधाएं नहीं थी जी। वो केंद्र सरकार ने प्रोवाइड कराई है। आज उनके चिकित्सीय मामलों को लेकर आयुष्मान कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, इनके पेंशन का प्रावधान है, इनको 1 BHK हाउसेस देने का प्रोग्राम है। तो कोई भी सरकार को पहले काम तो कर लेन दो, फिर मैदान में उतरो ना, उसके काम पूरे ना हो तो। एक मध्य प्रदेश सरकार ने रिटायरमेंट की आयु 2 साल ज्यादा बढ़ाई जी। किस लिए बढ़ाई भाई? जो बच्चे हैं जिनकी एज 2 साल ही बची थी जॉब में आने के लिए, वो बेरोजगार हो गए। तो यदि कांग्रेस बेरोजगारी हटाने की पक्षधर है तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, या रिटायरमेंट की आयु वापस करे ना 60 वर्ष, ताकि नए बच्चे नौकरी पा सके। एक दूसरे पे आरोप लगाना ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है जी। लेकिन चूंकि मैं एक आम आदमी की तरह आपसे बात कर रही हूँ, तो जिस दिन रिटायरमेंट की आयु इन्होंने 2 वर्ष और बढ़ाई, तो सबसे पहले मैंने विरोध किया था कि नए बच्चे कहाँ जाएंगे, ये रिटायर होंगे तब तो नई भर्ती निकलेगी। तो कांग्रेस सरकार ने आके कौन सा झंडा गाड़ दिया, उसको कंटिन्यू कर दिया। दूसरे जो रिटायर हो गए घर में, जो उनको 62 साल के बाद भी अगर वो रिटायर हुआ है तो घर भेजने के बजाय आप उसके लिए पद सृजित कर रहे हो, किस लिए?
किस लिए जी? आप नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दे रहे हो? और जहां तक मजदूरों की मांग की बात है तो ये वेस्ट बंगाल से शुरू हुई। वेस्ट बंगाल कम्युनिज्म के प्रभाव में आजादी के बाद से ही है जी। वहां बरसों बरस तक ना तो बीजेपी जम पाई ना कांग्रेस जम पाई, वहां वामपंथी सरकार का ही शासन रहा है। तो वामपंथ पूरे देश के मजदूरों का नेतृत्व करता है। हाँ, जो काफी संस्थाएं जिनका निजीकरण हो रहा है, जैसे मैंने आज ही पढ़ा है कि BHEL का, लेकिन आज तो ममता बनर्जी भी वहां पे पश्चिम बंगाल में जो है अलग ही रुख में नजर आएंगे। हमेशा जो बनर्जी को लेकर कुछ भी बोलना, लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने आज इसका हड़ताल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे। इतनी ब्रिलियंट महिला के तौर पर नहीं देखती कि उनके लिए अपनी एनर्जी खराब करूं जी। ठीक है, हिंदुस्तान में ये पहला देश है, विश्व का ये पहला देश है जहाँ बहुसंख्यकों को लतियाया जाता है। बहुसंख्यक अपनी बात कहते हैं तो ये बैठे हुए भाई साहब बता रहे थे सांप्रदायिकता, ये जब मुस्लिम कार्ड खेलते हैं तो सांप्रदायिकता नहीं होती है, लेकिन यदि बीजेपी हिंदू हित की बात करती है तो सांप्रदायिक हो जाती है। ये इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए जी। पूरे विश्व का नियम है जो बहुसंख्यक होता है सरकार उसकी। चलिए अब विषय पे आए अनुराधा जी, विषय पे आए क्योंकि चर्चा कहीं कहीं जा रही है। बात मजदूरों कर्मचारियों की जी, बलात्कारी कर दिया किसने जी जी, कहां कहां जा रही है चर्चा, कहां जा रही है चर्चा, कहां जा रही है सत्य जी? अनुराधा जी प्लीज, मेरा ये कहने का निवेदन है अपन विषय से ना भटके जी। बैंक का मामला है अभी, ये मेरे भी नॉलेज में नहीं था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8,000 करोड़ के खाते में, ये बहुत गंभीर बात है। हमारे बहुत से बैंक मर्ज हुए तो मर्ज तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये भी है ना, कई बार देखने में आता है। जैसे अभी शिरीष जी ने अपनी पीड़ा बताई कि साहब जो है कर्ज तो दे दिया जाता है लेकिन वसूली में कई कानूनी अड़चने उनके पास है। ये किस तरीके से इस तरह बैंक घाटे में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? जब तक अलग अलग संस्थाओं के नेतृत्व में काम करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे तो सरकार भी इस बात से कैसे अवगत होगी कि खामी कहाँ है जी। तो ये हड़तालें होते रहना चाहिए, धरना प्रदर्शन होते रहना चाहिए, तो सरकार को अपने आत्मनिरीक्षण का मौका भी मिलता है और वो सुधार भी करती है। दूसरी बात जी, ये 8,000 करोड़ का मामला ये वास्तव में गंभीर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी संस्था के लिए तो बहुत गंभीर मामला है जी। और जहां तक बैंकों के मर्ज होने की बात है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था सबसे पहले जी। उसके बाद फिर काफी बैंक घाटे में रहे तो वो इसमें मर्ज हो गए, वो उसमें मर्ज हो गए, वो क्योंकि ये वित्त विभाग का मामला है और वित्त। चलिए अनुराधा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। शिरीष जी इंतजार कर रहे हैं जी, शिरीष जी इंतजार कर रहे हैं। शिरीष जी क्या कहेंगे जो चर्चा में आप सुन रहे होंगे कि जिस तरह के हमारे जो मेहमान हैं वो जिस तरह अपनी बातें रख रहे हैं उसको लेकर आपको क्या क्या लगता है? सरकार कहां जा रही है, क्या हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से बातें भी आ रही, सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू की है जो कर्मचारी हित में है, श्रमिकों के हित में है, और उसके बाद भी ऐसी क्या कमी आपको दिखाई देती है कि जिसकी वजह से आप लोगों को आंदोलनरत होना पड़ा, और सरकार की क्या कमी आप देखते हैं? देखिए, जहां हमारा प्रश्न है बैंकिंग सेक्टर का जी, जब से मोदी सरकार आई है जी, उन्होंने बैंक की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया है जी। बैंक की बेहतरी के लिए नहीं किया, बैंक की यूनियन की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया जी। आज अगर सारे बैंक घाटे में चल रहे हैं जी, और जो एनपीए बढ़ रहे हैं जी, तो एनपीए जो बढ़ रहे हैं वो तो लोन की रिकवरी करनी है हमें जी, और लोन जो दिए हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए दिए गए हैं जी। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े बड़े लोन दिए हैं 1,000 करोड़ के, 5,000 करोड़, 10,000, 20,000 करोड़ के जी, वो लोन तो कॉर्पोरेट सेक्टर को जो देते हैं जी, वो हेड ऑफिस में तय होते हैं बोर्ड की मीटिंग में जी। उसके लिए कर्मचारी और अधिकारी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं जी? प्रश्न ये है ना जी। जी हम तो बार बार सड़कों पे उतरते हैं, आज जो ऊपर लेवल पे तो सरकार ये जो है तमाम चीजें हो जाती है, ये तो पब्लिक का पैसा है ना जी, तो ये पीड़ा है आपकी। चलिए, रिकवरी के लिए कौन जाएगा जी? जी ये तो सिर्फ एक कानून बनाए सरकार, बैंकिंग सेक्टर की बात हो गई, कई और भी जो दिक्कतें हैं श्रमिक संगठनों की। और एक एक छोटी सी बात और है जी, जो अनुराधा जी बोल रही थी कि आज बंगाल में जी ममता बनर्जी ने हमारे मुद्दों का सपोर्ट तो किया है जी, पर चूंकि वो लेफ्ट से नहीं है इसलिए उन्होंने हड़ताल का जो विरोध किया वो जो बोल रही हैं जी, वो निश्चित तौर से उन्होंने हमारे मुद्दे का सपोर्ट तो किया, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए क्या कहेंगे सत्यन जी, आरोप
थोड़े बहुत नहीं कई हैं, और जब परत दर परत बात निकलती है तो कई चीजें समझ में आती हैं कि सरकार की क्या खामी है, क्या उनकी खूबी है, और इस वक्त जो देश में है यही असमंजस बना हुआ है कि सरकार की खूबी क्या है और खामी क्या है। हर आदमी जो है इस वक्त असंतोष के भाव में जकड़ा हुआ है। अविनाश जी, जैसे शरीफ जी कह रहे हैं, शरीफ जी जो है ना कन्फाइंड है बैंकिंग सेक्टर की तरफ, जी बिल्कुल, तो मैं ये कहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर को जिस तरीके से मोदी जी अभी काम कर रहे हैं ना, ये जो बैंकों का एनपीए जो बड़ा बड़ा एनपीए जो उन्होंने बताया, सही बात है, लेकिन मोदी जी ने नहीं दिया था, ये तो हमने आइडेंटिफाई किया, और 2008 से 2014 के बीच में बैंकों का जो एनपीए था वो 18 लाख करोड़ से बढ़कर 57 लाख करोड़ हो गया। सोचिए 39 लाख करोड़ से ज्यादा का बैंक एनपीए उस समय बढ़ा। सत्यन जी, संक्षेप में बात, संक्षेप, समय हमारा पास कम है, समय नहीं दोगे तो फिर कैसे? नहीं, आप बात खत्म करिए। बैंकों का मैंने बता दिया आपको, बैंकों का क्या है, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से भी हमें जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से भी कम करने हैं, और बैंकों में फ्रॉड रोकने के लिए भी बैंकों का मर्जर करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, और बैंकों को सहायता 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अभी वित्त मंत्रालय ने सहयोग भी किया है बैंकिंग सेक्टर को। मैं अगली बात करता हूँ, जो श्रमिक है, जो मेनली असंगठित क्षेत्र जो है 93% का है, जिसमें कि आज 25 करोड़ लोगों की जो बात कर रहे हैं ना स्ट्राइक की, और ये सब 44 करोड़ से ज्यादा देश के लोगों के लिए किसी ने नहीं सोचा, ना कॉम्रेड ने ना कांग्रेस ने, 10 साल कॉम्रेड और कांग्रेस ने सरकार मिलकर चलाई है, मनमोहन सिंह जी की समर्थन था ये हमने दिया। मैंने बताया ना आपको, प्रधानमंत्री व्यवसायी मानधन योजना, पेंशन फिक्सेशन कर दिया, 250 रुपए मिलते थे 1000 रुपए कर दिए मोदी जी ने आते साथ, 1000 से कम किसी को नहीं मिलते। अगली बात मैं करूं आपको, अटल पेंशन योजना में 2 करोड़ लोगों को इसका लाभ दिया गया है। पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 6.4 करोड़ के आसपास के लोगों के लिए लाभान्वित हुए हैं, और पीएम जीवन सुरक्षा योजना जो कभी नहीं आई थी जीवन, ये सारी इसमें भी 17 करोड़ लोगों को लाभान्वित हुए हैं, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसमें 7 मिलियन 70 लाख लोगों को अभी तक लाभ मिल चुका है। तो हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, और हाँ ये बात सही है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस तरीके से श्री जी ने कहा अनएम्प्लॉयमेंट आउटसोर्सिंग से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ ये बात सही है कि अनएम्प्लॉयमेंट उनका जो वहां पे थे उनको हटा दिया गया, लेकिन उससे आउटसोर्सिंग में भी दूसरे नए लोगों को जो अच्छे जो उत्पादकता देते हैं, जो प्रोडक्टिविटी देते हैं, जो एफिशिएंसी देते हैं, जिनकी ट्रांसपेरेंसी वर्किंग है, उन लोगों के लिए भी उसमें काम मिला है। तो ऐसा बहुत काम किया है, 20 करोड़ से ज्यादा रोजगार मिला है। सत्यन जी, समय समाप्त हो गया, ये ना आप थोड़ा सा व्यू हम आपका सर विषय इतना अच्छा है, आपको समय हम उस दायरे में बंधे भी हुए हैं ना सत्यन जी, हड़ताल जो कर रहे हैं जेल से सीखना चाहिए, हड़ताल करना क्या कह रहे हैं, जेल से देखिए परिलेखना के ऊपर जो निर्णय उनके पास तर्क बहुत है। मैं कहता हूँ, अरे सत्यन जी, आप प्लीज आप समझिए बात को, 2-3 मिनट बचे आप उसमें बात खत्म, भारतीय जनता पार्टी वाले तो जी करते कुछ नहीं है, बातें चलिए आप मुद्दे पे आइए। जिस तरह से मजदूरों का आप बोलो, आप ही बोलिए, चलिए आप बोलिए, मैं भाई साहब बोल रहा हूँ, आप मुद्दे पे बात आने दीजिए ना, आप बोलिए। डेटा अगर गलत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो वायदे किए, निश्चित रूप से अगर ये सही सच होते तो हड़ताल नहीं होती भाई साहब। अगर अरे आप जिस तरह से, आप जिस तरह से शिक्षक आपका बाप है भाई, चलिए चलिए, बहस जो है ना चलिए, चर्चा है वो हो ही नहीं पा रही जिस मुद्दे पर है, और आप 500 रुपए पर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, 1500 रुपए आनंद जी, समय समाप्त हो गया है, सत्यन जी समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। तो ये जो चर्चा है घूम फिर कर आरोप प्रत्यारोपों पर ही आकर टिक जाती है, विषय चाहे कितना भी गंभीर हो, संवेदनशील हो, कर्मचारियों से जुड़ा हो, मजदूरों से जुड़ा हो, इस पर यदि कोई सार्थक बहस की जाए, लेकिन हमेशा जैसा होता है कि हर चीज में सियासत हो जाती है, और बात जो है शुरू होती है मुद्दे से और आरोप प्रत्यारोप पर जाके खत्म हो जाती है। अफसोस कि हमारी ये चर्चा भी इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से समाप्त हो रही है। विषय गंभीर है, सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसी कमियां रह गई, क्या ऐसी खामी रह गई कि जिस वजह से लोगों को हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरना पड़ रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ, नमस्कार।